ओलंपिक में भारत के खिलाफ जिस तरीके की साजिश विनेश फोगाट के साथ हुआ, उसके बाद उम्मीदें टूट सी गई थी, लेकिन उन उम्मीदों को एक बार फिर से पंख लगाकर हवा में उड़ने की जो सौगात है वो नीरज चोपड़ा के तरफ से मिला। हालांकि नीरज चोपड़ा गोल्ड पर निशाना लगाने से भले ही चूक गए हो, लेकिन उन्होंने सिल्वर पर जो निशाना लगाया वो काफी अचूक था। देश को उन पर फक्र है, नाज है। नीरज चोपड़ा ने सबसे तेज भाला फेंकने में जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है वो भारत के इतिहास में ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जो लगातार देश के लिए मेडल जीतने का काम किए हैं। आपको बता दें कि थोड़ी से ऐसे गोल्ड से चूकने वाले नीरज ओलंपिक के अंदर, पेरिस ओलंपिक के अंदर उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, और इस बीच कई देशों को पछाड़ते हुए नीरज चोपड़ा ने जो निशाना साधा था वो निशाना सीधे तौर पर सिल्वर पर जाके लगा। हालांकि गोल्ड जीतने की उम्मीद देशवासियों की थी, उसमें नीरज जरूर चूक गए, लेकिन देश के लोगों का दिल उन्होंने जरूर जीत लिया। आपको बताते कि नीरज चोपड़ा भारत के वो प्लेयर जो अपने लक्ष्य को भेदने में महारत हासिल किए हुए हैं। नीरज चोपड़ा चांदी पर जो है वो निशाना लगाया उन्होंने, दूसरी तरफ हॉकी टीम ने भी कांस्य पर निशाना लगाया और कांस्य जीतकर भारतीय टीम ने भारत के मान सम्मान गौरव को बढ़ाया है। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर का जो भाला इन्होंने फेंका है, और इस आंकड़े को अब आपको याद करना होगा क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट दूसरा खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बनकर उभरे हैं। हालांकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के भाला फेंकने वाले जो नदीम है इन्होंने दुनिया को चौंका दिया। नदीम ने 92.97 मीटर जो है लंबी छलांग लगाते हुए भाला फेंका और गोल्ड पर निशाना साधा, जबकि नीरज 89.45 मीटर भाला फेंक दिए और सीधे तौर पर सिल्वर को भारत के झोली में डाल दिया। अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड दिलाया है। टोक्यो में नीरज ने 87.58 मीटर से गोल्ड जीते थे, जबकि नदीम उस वक्त पांचवें स्थान पर थे, और अब नदीम पहले स्थान पर और नीरज दूसरे स्थान पर है। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल के दावेदार रहे नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, यह इस ओलंपिक में देश का पहला सिल्वर मेडल है। रात 1:10 खत्म हुए मुकाबले में नीरज ने 89.45 मीटर भाला फेंका, यह उनका सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। उनके बाकी 5 प्रयास फाउल रहे। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। वे व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बने। इस थ्रो के साथ इन्होंने 90.97 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में नॉर्वे के एडिड्रास थार्किलोडेसन ने बनाया था। आपको बता दें कि इसी के साथ भारत 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ मेडल लिस्ट में 63वें नंबर पर है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।